नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 20। ये हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम के राइट्स हैं दोस्तों। तो आज हम आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों इसको। ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी क्रिमिनल को सजा सुनाई जाती है, उसको दोषी करार दिया जाता है, तो उस केस में दोस्तों ये कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। टोटल 3 प्रोटेक्शन है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके खिलाफ करता है, आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब दोस्तों यही है कि उस व्यक्ति को जो सजा सुनाई है वो कानून के हिसाब से नहीं सुनाई, ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी सजा सुना दी। एंड एक्सेसिव पनिशमेंट का मतलब दोस्तों यही है कि अगर किसी को 2 साल की सजा कानून में लिखी है, आपने 2 से ज्यादा उसको सुना दी, मान ली 3 साल के लिए आपने उसको जेल में भेज दिया बट कानून में सिर्फ 2 ही साल लिखा है, तो ऐसे केस में, मतलब जब आर्बिट्रेरी हो कि लॉ के हिसाब से आपने उसको सजा नहीं सुनाई, दूसरा है लॉ में जो लिखा है उससे ज्यादा सजा सुना दी, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी प्रोटेक्शन है दोस्तों, 3 तरह की प्रोटेक्शन है टोटल। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जिपार्डी, तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसमें क्या है, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। यहां पर जो मेन वर्ड है दैट इज क्रिमिनल एंड नो रेट्रोस्पेक्टिव। तो दोस्तों रेट्रो का मतलब होता है पास्ट। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, सपोज आज के डेट में अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति मर्डर करता है, मैं सपोज एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि मर्डर करने पे हमारे देश में आज के डेट में कोई भी कानून नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम सजा नहीं सुना सकते क्योंकि कानून ही नहीं है, तो सजा कैसे सुनाएंगे। बट दोस्तों क्या होता है कि 2 या 3 महीने बाद सरकार हमारी जो है वो कानून लेकर आती है मर्डर के लिए, कि कोई व्यक्ति अगर मर्डर करेगा तो उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। अब क्या हुआ कि जो कानून आया ये 2 महीने बाद आया, हमने जिसका एग्जाम्पल दिया अभी उसने तो मर्डर आज किया बट जो लॉ है ये 2 महीने बाद आया। अब मान लीजिए 2 महीने बाद जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस ऑफिशियल है, ये वापस इसी व्यक्ति के पास आते हैं जिसने आज की डेट में मर्डर किया कि अब हमारे देश में कानून आ गया है, अब हम तेरे को सजा सुनाएंगे, पुलिस ऐसे बोलते हैं क्रिमिनल को। तो दोस्तों हमारे देश में ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है दोस्तों, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता क्रिमिनल लॉ का। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में जाके आप किसी को सजा नहीं सुना सकते, सिर्फ प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सुना सकते हैं। अगर 2 महीने बाद कानून आया है तो 2 महीने के बाद जो लोग मर्डर करेंगे सिर्फ उन्हीं को सजा दे सकते हैं, उस 2 महीने से पहले जिसने मर्डर किया है उसको आप सजा नहीं सुना सकते दोस्तों। ये था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एंड दूसरा है दोस्तों नो डबल जिपार्डी। ये दोस्तों एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए, मतलब जो भी उसने क्राइम किया है सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं सुना सकते। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट हैं, ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट एंड ऑट्रीफॉइस एक्विट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है एंड उसको आपने सजा सुना दी, ठीक है एक बार सजा सुना दी ठीक है, बट दोबारा आप उसको सजा नहीं सुना सकते। ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट का मतलब यही है, वंस कन्विक्टेड कैन नॉट बी कन्विक्टेड अगेन। मतलब एक बार अगर आपने किसी को सजा सुना दी तो सेम ऑफेंस के लिए आप उसको दोबारा सजा नहीं सुना सकते। एंड दूसरा है दोस्तों ऑट्रीफॉइस एक्विट। मान लीजिए जो आप पे केस चल रहा था उसमें कोर्ट ने बोला कि आपको एक्विट किया जाता है, आपको निर्दोष पाया जा रहा है, मतलब निर्दोष पाया जाता है तो आपको सजा नहीं सुनाते। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक बार अगर आपने उसको निर्दोष बोल दिया तो दोबारा उसके ऊपर केस नहीं चला सकते दोस्तों। वंस एक्विटेड कैन नॉट बी मींस कन्विक्टेड अगेन, उस पर दोबारा से दोस्तों केस नहीं चला सकते। एक बार अगर आपने उसको निर्दोष साबित कर दिया तो दोबारा से उस व्यक्ति को वापस कोर्ट में नहीं बुला सकते कि आओ भाई तुम पे दोबारा केस चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें यही है,
नो डबल जिपार्डी का मतलब यही है कि सेम ऑफेंस के लिए किसी को भी दो बार सजा नहीं सुना सकते। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लो 3 साल की सजा काट के आ रहा है, किसी ने चोरी करी तो 2 या 3 साल की सजा काट के आ रहा है, एंड जब वो जेल से बाहर निकले तो उसको फिर से बोलेंगे भाई तूने 6 महीने मतलब 3 साल पहले चोरी की थी, चल तेरे को दोबारा से सजा सुनाते हैं। तो ऐसा दोस्तों हमारे देश में नहीं है। ये आर्टिकल जो 20 है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नो डबल जिपार्डी। एंड तीसरा है दोस्तों नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैदी होता है, जो भी क्रिमिनल होता है, जो जेल में होता है, वो एक तरह से दोस्तों उसको वो अपने खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकता। वो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले बोले मार पीट के कि चल भाई तू अपने इस गुनाह को कबूल कर, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। बल्कि आपने देखा होगा पुलिस वगैरह काफ़ी मूवीज में दिखाते रहते हैं ऐसे कि पुलिस जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको मारती रहती है कि अपना गुनाह कबूल कर, चाहे उसने गुनाह किया हो चाहे ना किया हो। बट दोस्तों अगर समझदारी की बात करें, पुलिस की मार से बचना है जो कि एक तो वैसे भी इल्लीगल होता है, पुलिस मार नहीं सकती ऐसे, तो दोस्तों अगर पुलिस की मार से बचना है तो आप कबूल कर लीजिए, आप कबूल कर लीजिए ठीक है मैंने क्राइम किया है, साइन वगैरह सब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में दोस्तों वो एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट उस एविडेंस को नहीं मानती जो पुलिस उनको देती है। अगर आपने पुलिस के सामने बयान दिया है, मतलब आप क्रिमिनल हैं, आपने सपोज मैं क्रिमिनल हूँ एंड मैंने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही मर्डर वगैरह सब किया है, बट दोस्तों जब मैं कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होता है कि कोर्ट के सामने दोबारा उस बयान को रिपीट करना होता है। बट उस टाइम पे मैं अपनी जुबान से मुखर सकता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं पुलिस ने मेरे सर पे बंदूक रख के मेरे से ये बयान निकलवाया है मेरे मुंह से। तो दोस्तों इसलिए जो भी बयान आप पुलिस के सामने देते हैं वो कोर्ट में नहीं माना जाता। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको एक तरह से दोबारा जब तक वो चीज़ प्रूफ नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको सजा नहीं सुनाई जाती। तो इसमें यही है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस बन जाए। जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल को मार के नहीं बोल सकती कि चल भाई तू अपने खिलाफ ही विटनेस बन जाए कि तूने ही क्राइम किया, इस बात को मान ले। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता, पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर पुलिस ऐसा दोस्तों करती भी है तो वो एविडेंस नहीं माना जाता। इसलिए पुलिस मारे इससे अच्छा है कि आप पुलिस के सामने बोल दो ठीक है मैं ही क्रिमिनल हूँ, बट कोर्ट में जाके आप बोल दो कि नहीं मैंने नहीं किया है, तो कोर्ट आपकी बात मानेगी दोस्तों, उस टाइम पे उसको एविडेंस नहीं मानेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एंड इसमें एक चीज़ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुलिस वाले जो बायोमेट्रिक लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो गया, हेयर सैंपल्स हो गया, नारकोटिक एनालिसिस हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गए, क्रिमिनल के दोस्तों लिए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये चीज़ें भी एविडेंस नहीं हैं, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है केस को सॉल्व करने के लिए, इसको एविडेंस नहीं माना जाता दोस्तों। ये भी आप लोग ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लड सैंपल्स होते हैं एंड जो हेयर सैंपल्स लिए जाते हैं क्रिमिनल के, इसको एविडेंस की तरह मानते हैं कोर्ट की नहीं मानते? तो आंसर इज नो, ये सिर्फ एक एज अ इन्फॉर्मेशन काम करता है, एविडेंस इसको नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 20, दैट इज नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जिपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दोस्तों कन्विक्शन केसेस में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, एंड अगर समझ आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।